नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है और कन्या राशि के जातक अक्सर दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और विचार शक्ति को और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, इस पर फोकस करना जरूरी है। अभी अगले एक डेढ़ वर्ष तक क्या स्थिति रहने वाली है कन्या राशि के लिए, अष्टम भाव में राहु और मंगल का अंगारक योग अभी चल रहा है। अष्टम राहु ही कष्ट देने के लिए काफी है, लेकिन ये जो राहु है ये शारीरिक कष्ट, तनाव, टेंशन, चिंता, मन में परेशानी, और साथ में अगर द्वादश भाव का स्वामी सूर्य जब आएगा ट्रांसिट मोशन में तो सिर में दर्द, आंखों में दर्द, सरकारी विभागों की टेंशन, भाई और बहनों के प्रति तनाव या भाई बहनों से कुछ तनाव मिल सकता है, चिंता रहेगी उनके प्रति। कन्या राशि के लिए अभी शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव में शनि है गोचर में। 17 जनवरी 2023 को आ जाएगा कुंभ राशि में, तो शनि की कोई टेंशन नहीं है। राहु अष्टम भाव में रोग कारक, परेशानी, टेंशन, तनाव, अपमान का भय ये रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानियां, तनाव, चिंता, टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सप्तम स्थान पर स्वग्रही बृहस्पति जब है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति, तो जो बृहस्पति है, सूर्य है, ये अच्छा फल भी देते हैं, लेकिन अभी सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा है। अगले सितंबर, अगस्त, अक्टूबर में ये अच्छा नहीं है, लेकिन कन्या राशि के लिए मंगल सबसे ज्यादा खराब फल देने वाला होता है, वो भी आज की तारीख में देखा जाए तो अष्टम भाव में है। तो ज्योतिष शास्त्र का नियम है षष्ठी च भौमे भवने सप्तमे राहु भवे अष्टमे च यदा सौरी तस्य भार्या न जीवति, ऐसे ज्योतिष शास्त्र में लिखा कि दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, उनके लिए नकारात्मक प्रभाव देता है। लेकिन कन्या राशि के लिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो बृहस्पति सबसे अधिक अनुकूल है। अगर कोई बुरी परिस्थिति भी पैदा कर रहा है राहु, केतु, मंगल आदि आदि ग्रह, तो ये बृहस्पति अकेला ही बहुत बड़ी शक्ति, महाशक्ति के रूप में काम करता है। इसलिए आप लोगों को, कन्या राशि वालों को विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र या विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु इनके आराध्य देवता होते हैं, और श्रावण के मास में खास तौर से भगवान शिव को जल चढ़ाएं, अभिषेक करें बेलपत्र के साथ में। भगवान शिव को अगर एक बार बेलपत्र भी चढ़ाया गया तो भगवान शिव उनके समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनके कष्ट हरण कर लेते हैं। एक स्तोत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, आपने सब सुना होगा, नहीं तो आप पुस्तक लेकर के ले कर सकते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय। तो ये भगवान शिव का मंत्र पढ़ें, आपके समस्त दुख, कष्ट, परेशानियां दूर होंगी और आपको निर्णय लेने की क्षमता आपकी बलवान हो जाएगी, जिससे आपका व्यक्तित्व निखार रहेगा और आपका मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और खर्च तो अधिक होता ही रहेगा, लेकिन साथ साथ बीच बीच में आपको धन का लाभ होता रहेगा और किसी बात की डर, परेशानी, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपके साथ हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।